वेलकम बैक टू अ न्यू रेसिपी। आज हम फटाफट से मुंबई का फेमस वड़ा पाव बना लेते हैं। इसे हम बिल्कुल मुंबई की स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। तेल में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच राई और थोड़ी सी हींग। यहाँ मैंने टुकड़ा छोटा चम्मच हींग डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर करी पत्ता डाला है। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच अदरक और हरी मिर्च को मैंने कूट के डाला है। अगर आप चाहें तो अदरक हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे और इस तड़के को हल्दी की कच्ची महक निकलने तक कुक करेंगे, यानी कि आधा से 1 मिनट। उसके बाद मैंने 4 आलू को अच्छे से उबाल के उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया था, यानी कि मैश कर लिया था। अब 1 चम्मच नमक डाला है मैंने और आधा चम्मच से भी थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पे चीनी डाली है। सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। बस जब तक हमारा जो तड़का है हमारे उबले हुए आलू में अच्छे से मिल नहीं जाता तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। अगर आपका आलू में थोड़ा मिठास हो तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा जो आलू का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब सूखी चटनी बनाने के लिए 1 बड़े चम्मच मैंने मूंगफली को 1 चम्मच तेल में अच्छे से रोस्ट कर लिया है। जब तक इसका कलर हल्का सा रेडिश टाइप का नहीं हो जाता तब तक इसे हम भूनेंगे। जब तक कि जो मूंगफली का छिलका ऊपर से क्रैक ना होने लगे तब तक इसे हमें फ्राई करना है। वड़ा पाव में 2 चटनियाँ होती है, एक सूखी होती है और एक गीली चटनी होती है। मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी है, उसे साइड में मैंने रख दिया है। अब 1 बड़े से बाउल में मैंने 1 बड़ी कटोरी के बराबर बेसन लिया था। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी डाला है। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है। 1 चम्मच नमक डाला है। इसे मिक्स करेंगे और पानी डाल के पकौड़े जैसी जितनी कंसिस्टेंसी होती है उतना जैसा हमें घोल तैयार कर लेना है। ना बहुत ज़्यादा पतला तैयार करना है, ना बहुत ही ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा तैयार करना है। नॉर्मल पकौड़े जैसी कंसिस्टेंसी में हमें तैयार करना है। कितने लोग यहाँ बेकिंग सोडा भी डालते हैं, अगर आप बेकिंग सोडा डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी हल्दी डालने की वजह से जो रिएक्शन होगा तो उसके बाद आपका जो वड़ा होगा उसका कलर थोड़ा सा रेडिश टाइप में, थोड़ा ब्राउनिश टाइप में हो जाएगा। अगर सोडा डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पीने वाला सोडा डाल सकते हैं, उससे आपके बैटर का कलर चेंज नहीं होगा। मैंने यहाँ पे कुछ मिर्ची ली है, इसे इस तरह से बीच में कट लगा देंगे ताकि जब इसे फ्राई करें तो ये फटे नहीं और हमें जलने का डर ना हो। आलू के मिक्सचर को देखिए हल्का ठंडा हो चुका है। तब तक अब इसे हाथों से इस तरह से गोल गोल बाउल टाइप का बना लेंगे। मैंने जो हरी मिर्च काटी है वो वड़ा पाव के साथ खाने के लिए फ्राई करेंगे। इसके अंदर हमें नहीं डालना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, चटनी में नहीं डालना है उसे। तो देखिए इस तरह से जितने भी वड़ा पाव बनाना है आपको उसके इस तरह से बॉल बना लीजिए। और उसके बाद देखिए हमने जो मिर्ची कट करके रखी हुई थी उसे हम फ्राई कर लेंगे। और सूखी चटनी के लिए मैंने यहाँ पे 4 लहसुन को भी फ्राई करके निकाल लिया साथ में, दोनों चीज़ें साथ में फ्राई हो जाएंगी। आपको ध्यान रखना है कि लहसुन को हमें सूखी चटनी में डालना है और हरी मिर्च को हमें ऐसे ही वड़ा पाव के साथ सर्व करना है, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए हमारी दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं साथ में, इसे निकाल लेंगे। हमने जो बेसन का घोल बनाया था हाथों में उसको डिप करके अच्छे से हाथों से इस तरह से छोटी छोटी बूंदी बना लेंगे। इसे भी हम सूखी चटनी में यूज़ करेंगे। जो हम ये सूखी चटनी बना रहे हैं वो बेसिकली बेसन की बूंदी और लहसुन फ्राई किया हुआ और जो हमने पीनट फ्राई की थी उसी में डाल के बिना पानी का पीसा जाता है। बहुत ही टेस्टी सी चटनी तैयार होती है। देखिए बूंदी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे भी हम निकाल लेंगे अच्छे से। उसके बाद जो हमने बॉल बनाई थी आलू की उसे हम बेसन के घोल में, उसी घोल में जिससे हमने बूंदी बनाई थी जिसकी वीडियो मैंने आपको पहले एक क्लिप दिखाई है जिसमें बस हमने बेसन में नमक हल्दी मिर्च डाल के बनाई थी, उसी घोल में हमें इस तरह से अपने वड़े को डिप करना है और उसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से थोड़ी थोड़ी दूर पर जितनी भी आपको कढ़ाई में जगह हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमें दोनों तरफ से इसे कुक करना है। जब तक कि दोनों तरफ से कुक ना हो जाए, बेसन जो है हमारा कच्चा ना रहे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ना इसका बहुत ज़्यादा हमें कलर डार्क चाहिए, मीडियम टाइप का हमें कलर चाहिए। आलू तो हमारा अंदर का पका हुआ है, उसके बाद तड़के भी जो है उसके साथ मैंने आलू को मिक्स कर दिया था तो आलू तो बिल्कुल हमारा तैयार है। बस ऊपर का बेसन है उसे हमें फ्राई करना है ताकि आलू बेसन हमारा कच्चा ना रहे। दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करने के बाद जब इस तरह से कलर आ जाएगा तो इसे वड़े को भी हमें निकाल लेना है और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। हमने जो पीनट और लहसुन और जो मैंने बूंदी बनाई थी बेसन की उसको डाल देंगे मिक्सी के जार में। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डाल के इसे इस तरह से दरदरा सा बिना पानी का पीस लेंगे। हमारी सूखी चटनी बन चुकी है। हमने धनिया और हरी मिर्च और लहसुन की गीली चटनी बना दी है, उसको तो सभी को बनाने आता है इसलिए मैंने उसकी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। अब इस तरह से पाव लेंगे, पाव को इस तरह से बीच से खोलेंगे, अपनी गीली चटनी जो हमारी वो लगाएंगे, थोड़ी सूखी चटनी लगाएंगे, बीच में वड़ा रखेंगे, इस तरह से सर्व कर लेंगे। दूसरी पीस मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि इस तरह से देखिए थोड़ा गीली चटनी लगाते हैं जो हमारी
तीखी वाली चटनी, हरी मिर्च, हरी धनिया, लहसुन की, उसमें इस तरह से पीनट और बूंदी वाली इस तरह से चटनी रखते हैं और इस तरह से पाव के साथ वड़ा रख के इस तरह से चटनी के साथ सर्व करते हैं। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल मुंबई स्टाइल में ये वड़ा पाव की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, बराबर पे जो बेल का आइकन है उसे दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो थम्स अप दें।